भटूरा का आटा लगाने के लिए हमने 2 कटोरी मैदा को इसमें ले लिया है और 1/2 कटोरी सूजी। इसी कटोरी से हमने 2 कटोरी मैदे को लिया है और इसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच नमक को हम डालेंगे इसमें और 1 चम्मच ही चीनी को हम इसमें डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हमारी घर की गाढ़ी दही है, जमाई हुई है, इसको हम 4-5 चम्मच इसमें हम डाल देंगे और अच्छे से इसका मुलायम आटा डाल के हम गूंथ लेंगे। इसमें हमने 1/2 कटोरी दही को डाल दिया है और इसका अच्छा मुलायम आटा गूंथ कर तैयार कर लेते हैं और ज़रूरत के अनुसार पानी डालेंगे। इसमें हम ज़रूरत के अनुसार पानी डाल के गूंथ लेंगे, थोड़ा सॉफ्ट ही लगाएंगे आटे को। इसमें हम बेकिंग सोडा नहीं डालेंगे क्योंकि इस आटे को हम 4-5 घंटे के लिए रेस्ट पे छोड़ेंगे। अगर हम इसको रेस्ट पे नहीं छोड़ते तो इसमें बेकिंग सोडा डालते। ये मुलायम आटा हमने गूंथ कर तैयार कर लिया है इस तरीके से और थोड़ा सा हम इसको गूंथेंगे और फिर ढक्कन ढक के रख देंगे 5-6 घंटे के लिए। ये हमने सॉफ्ट आटे को गूंथ कर तैयार कर लिया और इसको 5-6 घंटे के लिए हम ढक्कन ढक कर रख देते हैं। उसके बाद हम इसको देखेंगे, 5-6 घंटे के बाद इसकी भटूरे बनाएंगे। अब हमारे आटे को रेस्ट करते हुए 4-5 घंटे हो गए हैं और हमारा आटा बिल्कुल फूल गया है और बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है। इसमें हम थोड़ा सा तेल ले लेंगे, रिफाइंड ऑयल, और अपने हाथ में लेके इसको थोड़ा सा चिकना करेंगे इस तरीके से। मसल के हमने अपने आटे को चिकना कर लिया है और इसकी अब लोई बना लेते हैं। इस तरीके से फोल्ड करके इसको हम निकालेंगे इस तरीके से। इसे अपने हाथ के बीच से ऐसे दबा के इसको निकालेंगे इस तरीके से और इसको हाथ के बीच में रख के चिकना कर लेंगे इस तरीके से। चिकना करके लोई बना लेंगे और नहीं तो इस तरीके से एक बड़ा नींबू का गोले के आकार का हम तोड़ेंगे और इस तरीके से चिकना बना लेंगे हाथ पे रख के, गोल चिकना जिसमें कोई क्रैक्स नहीं रहे, कुछ भी ना रहे। इस तरीके से हमने सारे लोइयों को चिकना कर लिया, गोल गोल रख लिया और इसमें थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल लेंगे हाथ पे लेके इन सारे गोलों पे लगा के इसको 10 मिनट के लिए हम रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। इसको ढक के हम 10 मिनट के लिए रेस्ट छोड़ेंगे, उसके बाद बेलेंगे। अब हम एक लोई को लेंगे और इसको अच्छे से गोल करके और थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल इसमें डाल के इसको ग्रीस कर देंगे और प्लेटफॉर्म को भी ग्रीस कर देंगे और ये बेलन को भी हम रिफाइंड लगा के अच्छे से ग्रीस कर लेंगे और इसको हम बेलेंगे। इसको लंबा बेलिए, गोल बेलिए, वापस ये सिकुड़ ही जाता है इसलिए थोड़ा लंबा हम बेलेंगे इस तरीके से। और एक तरफ हम तेल गरम होने के लिए रख देंगे, जब हमारा ये बेल जाएगा तो सीधे इसको हम तेल में डालेंगे और फ्राई कर लेते हैं। इसको इस तरीके से प्रेस करके फ्राई कर लेते हैं और ये हमारा फुला फुला भटूरा गुब्बारे की तरह बनकर रेडी है। तेल अगर ज़्यादा गर्म हो जाए तो गैस को कम कर लें।
ये बिल्कुल फुला फुला गुब्बारा हमारा बनकर रेडी हो गया। और इसको हल्का सा टेढ़ा कर ले ताकि एक्सेस ऑयल इसमें से निकल जाए। इसी तरह हम इसमें दूसरा भटूरा भी डाल। ये हमारा दूसरा भटूरा भी इसमें हम डाल लेते हैं और इसको फ्राई कर लेते हैं। कलछी से हम इसको इस तरीके से दबाएंगे, ये अपने आप ही फूल जाएगा। और जैसे ही हाफ फूलेगा इसको हम पलट लेंगे ताकि ये दूसरी तरफ से भी फूल जाए अच्छे से। ये हमारा फुला फुला भटूरा रेडी हो गया। ये हमारा गुब्बारे की तरह फुला हुआ भटूरा बनकर रेडी हो गया। और इसमें कोई भी बेकिंग पाउडर डालने का ज़रूरत नहीं या बेकिंग सोडा बिल्कुल भी डालने का ज़रूरत नहीं है। बस इसको 4-5 घंटे के लिए रेस्ट पे छोड़ दें, ये भटूरा बिल्कुल भी फूल कर अच्छी तरह से बन जाएगा।